जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों जब क्लास इलेवन बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में क्लास इलेवन ज्योग्राफी के टॉप एस सेवेंटीन सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि क्लास इलेवन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाले हैं तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास एलेवन बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बताए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं तो चलिए इस सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखे आने आपको बताना है कि विश्व में सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है तो दोस्तों विश्व में सबसे गहरा सागरीय गर्त की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है यानी ये जो मेरियाना गर्त है फ्रेंड्स वो प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी कुल गहराई की बात करें तो इसकी कुल गहराई ग्यारह मीटर है नेक्स्ट क्वेश्चन टू दिया है फ्रेंड्स कि लोकतक झील किस राज्य में स्थित है यानी आपको बताना कि ये जो लोकतक झील है वो कौन सा राज्य में स्थित है तो दोस्तों लोकतक तो जो झील है वो मणिपुर में स्थित है और यदि बात करें कि ये जो लोकतक झील है वो दो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री में दिया है फ्रेंड्स कि भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है यानी आपको बताना कि भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है यानी ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है फ्रेंड्स वो बैरन ज्वालामुखी स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में दिया गया फ्रेंड्स कि भारत की जलवायु कैसी है आपको कि भारत की जलवायु है वो कैसी है तो दोस्तों भारत की जो जलवायु है वो उसने मानसूनी प्रकार की जलवायु है यानी राइट आंसर हो उसने कटिबंधीय मानसूनी जलवायु और यदि बात करें फ्रेंड्स कि मानसून का आगमन सबसे पहले कौन सा राज्य में होता है तो सबसे पहले मानसून का जो आगमन होता है वो केरल राज्य में होता है आपने दिया फ्रेंड्स कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यानी आपको बताया कि ये जो अरवा अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुरु शिखर जी हाँ दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई की बात करें तो सत्रह मीटर ये ऊंचा है और यह राजस्थान में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स में दिया है फ्रेंड्स कि लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है आपको बताया कि ये जो लाल मिट्टी है ये लाल रंग का दिखाई देता है इसका क्या कारण है तो फ्रेंड्स लाल मिट्टी जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है इसीलिए यह लाल रंग का दिखाई देता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन दिया फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है यहां को बताया कि महाराष्ट्र में जो है वो पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स ये जो पश्चिम घाट है इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है तो कौन से राज्य में कौन से नाम से जाना जाता है तो चलिए इस राज्य को जानते हैं कि कौन से राज्य में कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों पहले जानते हैं कि गोवा गोवा में जो है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में केंद्रा तट के नाम से जाना जाता है और गुजरात में बात करें तो गुजरात में जो है वो काठिया बाड़ के नाम से, से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन एट में दिया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एट से जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तीन मार्क्स के होने वाले हैं और इनका आंसर आपको कम से कम पचास से साठ शब्दों में लिखना है यानी कि सात से आठ लाइन में तो चलिए क्वेश्चन नंबर एट का आंसर करते हैं कि जल चक्र क्या है तो जल का विभिन्न भौतिक रूप तरल गैस एवं ठोस में जल मंडल स्थलमंडल महाद्वीप महासागर धरातलीय एवं भूमिगत एवं वायुमंडल आदि के मध्य निरंतर प्रवाह एवं यादान प्रदान की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एट का आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन में दिया गया फ्रेंड्स कि उप महाद्वीप किसे कहते हैं आपको बताया कि ये जो उप महाद्वीप है वो किसे कहते हैं आगे बोला फ्रेंड्स के भारतीय उप महाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखे हैं आपको बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित कितने देश है उन सभी देशों के नाम लिखना है तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं महाद्वीप का छोटा रूप उप महाद्द्वीप की संज्ञा दी जाती है यानी महाद्वीप की छोटा रूप को उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है जिसका निर्माण आपस में कई देशों के स्थल खंड के मिलने से होती है भारतीय उप महाद्वीप में पांच देश शामिल है भारतीय जो उप महाद्वीप है फ्रेंड्स उसमें पांच देश शामिल है वो कौन कौन से देश है तो पहला है भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान और बांग्लादेश जो कि उप भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं नेक्स्ट टेन में दिए गए फ्रेंड जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून की तीन विशेषता को लिखे आने आपको बताएंगे भारतीय मानसून है इसकी तीन विशेषताएं कौन कौन से हैं तो इन तीनों विशेषताओं को आप लोगों को लिखना है तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं आखिर मानसून होता क्या है तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसमी से हुई है यानी मौसम मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है फ्रेंड वो अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है जिसका अर्थ मौसम के अनुसार ऋतु में परिवर्तन होता है भारतीय मानसून के तीन विशेषता निम्न यानी भारतीय मानसून के विशेषता यहाँ पे पूछा गया तो तीन विशेषता को हम लोग देखते हैं पहला विशेषता है फ्रेंड्स कि भारतीय मानसून समय से पहले आना यानी भारतीय मानसून का जो है फ्रेंड्स वो समय से पहले आना समय से जाना यानी समय से जो मानसून है वो चला जाता है लंबे समय तक रहना यानी जो मानसून है वो लंबे समय तक रहता है आदि यहाँ के लोगों के जनजीवन को प्रभावित करता है ये फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स अगला पॉइंट बोल रहा है कि भारत में वर्षा जल का वितरण एवं कृषि सिंचाई पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है यानी दोस्तों भारत में जो वर्षा जल पर निर्भर है वो कृषि सिंचाई के लोग हैं वो मानसून पर ही निर्भर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि भारतीय मानसून से ही जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एवं गुजरात से असम तक पूरे भारत में वर्षा जल प्राप्त होता है यानी भारतीय मानसून के द्वारा फ्रेंड्स वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एवं गुजरात से लेकर के असम तक जो पूरे भारत में वर्षा होता है वो मानसून से ही प्राप्त होता है तो ये क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर था फ्रेंड जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा भीवीआई क्वेश्चन है नेक्स्ट फ्रेंड इलेवन देखे फ्रेंड्स कि भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के तीन कारण बताइए यानी आपको बताना है कि भारत की जो नदियां हैं उनको जो प्रदूषित किया जा रहा है उनमें से आपको तीन कारण को बताना है तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के तीन कारण निम्नलिखित हैं पहला कारण जो है फ्रेंड्स वो फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़े कचड़े को सीधे नदियों में बहा दिया जाता है यानी दोस्तों फैक्ट्री से जो भी कूड़ा करकट निकलता है उस कूड़ा करकट को नदियों में मिला दिया जाता है जिससे नदी काफी ज्यादा प्रदूषित हो जाता है आगे बोलते हैं अगला फ्रेंड्स फ्रेंड कि जल जहाज़ों से निकलने वाले से यानी जल में जो जहाज़ों को चलाया जाता है फ्रेंड्स और वहाँ पर जो प्रदूषित किया जाता है उससे भी नदी काफ़ी प्रदूषित होता है अगला पॉइंट है फ्रेंड्स सब को पानी में बहाने से एवं मूर्ति विसर्जन से जो लाश होते हैं फ्रेंड्स उनको नदी में बहा दिया जाता है जिससे नदी काफ़ी प्रदूषित होता है और मूर्ति विसर्जन यानी जो मूर्ति का विसर्जन किया जाता है उससे भी नदी काफ़ी मात्रा में प्रभावित होता है तो ये क्वेश्चन में इलेवन का आंसर था फ्रेंड्स फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं तो प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक तो आपको हमेशा रिविजन करते रहना है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से याद हो जाए नेक्स्ट नंबर ट्वेल्व में दिया है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है हमें आपको बताने की ये जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पे जो तटीय प्रदेश है वहाँ पे जो ठंडा के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं सर्दियों के समय देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने समुद्र की ओर बहती है यानी बोल रहे फ्रेंड्स ठंडा के समय में जो है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं वो समुद्र की ओर बहती है इसलिए देश के ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम रहता है इसी कारण से फ्रेंड्स वो देश के ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम रहता है तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवने से प्राप्त करता है यानी जो फ्रेंड तमिलनाडु का तट है वो उत्तर पूर्वी व्यापार पवने से प्राप्त करता है क्योंकि वहाँ यह अपने समुद्र तल से स्थल की ओर बहता है तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन में देखा फ्रेंड्स कि हिंद महासागर के तट पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना कि ये जो हिंद महासागर के तट पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति है वो क्यों महत्वपूर्ण है तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं तो हिंद महासागर सिर्फ आठ डिग्री चार मिनट उत्तरी अक्षांश से सैंतीस डिग्री छह मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जो भारत के लिए निम्न दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करने का प्रयास करेंगे फर्स्ट पॉइंट बोल रहे फ्रेंड्स कि भारत के दक्षिण तटीय प्रदेश में मत्स्य का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है यानी बोल रहा फ्रेंड कि जो भारत के दक्षिण तटीय प्रदेश है वहाँ पे जो मत्स्य का उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है अगला पॉइंट फ्रेंड्स कि विश्व के अधिकांश भागों में विश्व का व्यापार लगभग साठ प्रतिशत हिंद महासागर से होता है यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड विश्व के जो अधिकांश भाग है वहाँ पे विश्व का जो व्यापार होता है वो लगभग साठ प्रतिशत सिर्फ हिंद महासागर से होता है जिसमें भारत को टैक्स प्राप्त होता है यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया फ्रेंड्स तो यहाँ टैक्स होगा जो कि टैक्स प्राप्त होता है अगला पॉइंट था फ्रेंड्स कि हिंद महासागर के सिर पर स्थित होने के कारण भारत के बंदरगाह की सुविधा प्राप्त है तो ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर था फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फोर्टीन में देखेंगे कि पश्चिम तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है को बताना कि ये जो पश्चिम तटीय मैदान है वहाँ पर डेल्टा क्यों नहीं है तो चलिए जानते हैं कि पश्चिम तटीय मैदान है वहाँ पर डेल्टा क्यों नहीं है तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं बोले फ्रेंड्स कि भारत के पश्चिम भागों में बहने वाली नदियां की ढाल काफी तीव्र है कहने का मतलब ये है कि भारत में जितने भी पश्चिम भाग में नदियाँ बहती है उनका जो ढाल है वो काफी तीव्र है इसलिए यह नदियां अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती है अर्थात यह नदियां डेल्टा ना बनाकर ज्वारंद मुख बनाती है इसलिए पश्चिम तटीय मैदान पर कोई डेल्टा नहीं है तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर का आंसर था जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स कि मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय बताए आपको बताना है फ्रेंड्स ये जो मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं और इस समस्या से निपटने के उपाय को आपको बताना है तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं पहले समझते हैं फ्रेंड्स मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण यानी आपको बताया कि मृदा अपार्जन के क्या कारण है तो चलिए इसका आंसर हम लोग पॉइंट पर पॉइंट किए हैं फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई यानी दोस्तों मृदा अपर्दन का जो प्र... पहला कारण है वो पेड़ पौधे है उसका अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है जिससे मृदा उपर्दन काफी मात्रा में हो रहा है अगला पॉइंट है फ्रेंड्स अत्यधिक पशु चारण आदि पशुओं को जो है अधिक मात्रा में चारण किया जा रहा है जिससे मृदा अपर्दन हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वनों में आग लगाना दोस्तों बहुत से लोगों के द्वारा वनों में आग लगा दिया जाता है जिससे मृदा मृदापर्दन काफ़ी मात्रा में होता है नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स बाढ़ और आंधिया यहाँ बाढ़ हो गया फ्रेंड्स मिस प्रिंटिंग हो गया थोड़ा सा बाढ़ और आंधिया के कारण भी मृदा उपर्दन होता है नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि एक ही किस्म का फसल लगाना तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट मृदा मृदापर्दन के प्रमुख कारण मृदा मृदापर्दन के समस्या अब जानते हैं कि मृदा मृदापर्दन होगा तो इससे क्या समस्या उत्पन्न होती है तो पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स मृदा अपर्दन से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है यानी कहने का मतलब एक फ्रेंड्स मृदा का जब अपर्दन होता है तो जो मिट्टी का उर्वरक शक्ति होता है वो कम हो जाता है जिससे फसल ना के बराबर उत्पाद होता है यानी जो फसल का उत्पादन है फ्रेंड्स वो नहीं के बराबर होता है नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि मृदा अपर्दन से कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ता है यानी मृदा के अपर्दन से जो है वो कृषि पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है अब जानते हैं कि मृदा अपर्दन से रोकथाम के क्या उपाय हैं तो चलिए रोकथाम के उपाय जानते हैं पहला जो उपाय है फ्रेंड्स कि वृक्षारोपण यानी वृक्ष को अधिक से अधिक लगाना चाहिए पशुचारण को रोककर पर्वतीय पठारी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती करके यानी पशु चारण को रोकना चाहिए और जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती करना चाहिए अगला पॉइंट फ्रेंड्स कि आम नागरिक को जागरूक बनाकर मिश्रित कृषि को बढ़ावा देकर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर था कि मृदा उपर्दन के प्रमुख कारण और इससे निपटने के उपाय तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट सिक्सटीन में दिया गया फ्रेंड कि भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है व्याख्या करें यानी बताना है फ्रेंड कि जो भारतीय किसान है उन लोगों के लिए मानसून एक जुआ के रूप में है इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है यानी दोस्तों भारतीय किसान जो है उन लोगों के लिए मानसून एक जुआ है क्योंकि जिस वर्ष मानसून होता है उस वर्ष फसल अच्छा होता है यानी कहने का मतलब यह है कि जिस वर्ष मानसून अच्छा से होगा वर्षा अच्छा होगा तो उस वर्ष फसल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है और जिस वर्ष मानसून अच्छा नहीं होता है उस वर्ष फसल अच्छा नहीं होता है यानी नहीं होगा तो फ्रेंड्स फसल का भी उत्पादन अच्छा नहीं होगा इस प्रकार जो मानसून है वो किसानों के लिए एक जुआ है यानी मानसून होगा तो फसल का उत्पादन होगा और यदि मानसून नहीं होगा तो फसल का उत्पादन नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर था फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फ्रेंड्स यदि आप क्लास इलेवन बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है करना क्या है कि आपका जो टर्म टू में सिलेबस दिया गया है उन सिलेबस के अनुसार जो जो चैप्टर है उन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, को करना है जो कि इस चैनल के प्ले में करवा दिया गया है यदि आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपका क्लास इलेवन बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो फ्रेंड्स यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप अपने सुंदर से हाथों से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा